गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा FA1 टेस्ट पेपर है, सब्जेक्ट हमारा मैथ है, क्लास UKG। इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट 1 to 100 काउंटिंग, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखना है इस कॉलम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, बिग स्मॉल, बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, स्मॉल मीन्स छोटा होता है। जैसे कलर द बिग वॉल पिंक, बिग वॉल पिंक मतलब बिग जो बड़ा है बॉल, और पिंक जो बड़ी गेंद है उस पर आप पिंक कलर करेंगे। एंड द स्मॉल फिश ग्रीन, एंड स्मॉल तो मतलब स्मॉल है जो फिश तो छोटी है, तो इसमें आप ग्रीन कलर करेंगे। इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस द स्मॉलर ट्री, मतलब क्या है, जैसे 3 ट्री हैं तो इसमें जो सबसे छोटा ट्री है उस पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। जैसे ये क्रॉस का निशान है तो उस पर आप एक पे ही ट्री पे लगाएंगे, सबसे छोटा वाले पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा होता है, और शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कलर द लॉन्ग पेंसिल, जो लॉन्ग पेंसिल है येलो कलर करना है, एंड द शॉर्ट पेंसिल ब्लैक, जो छोटी पेंसिल है वहाँ पर आप ब्लैक कलर करेंगे। इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉस द शॉर्टर्स क्लॉथ, मतलब इसमें क्या है, जैसे जो कपड़े ये हैं तो इसमें जैसे छोटे बड़े सब है, तो इसमें शॉर्टर्स पूछा है, सबसे छोटा जो भी कपड़ा होगा उस पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या टॉल एंड शॉर्ट, मतलब क्या टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा होता है, टॉल मीन्स लंबा होता है, शॉर्ट मीन्स छोटा होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, कलर द टॉलर वन, मतलब टॉलर वन, टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा, और वन मीन्स एक, जो दो पिक्चर दिया है इसमें एक पिक्चर पे कलर करेंगे, सिर्फ वन पे कलर करेंगे। टॉलर मतलब टॉलर पूछा है, कौन सा टॉलर है ये, उसी पे आप कलर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज फ्रॉम टॉलरस्ट 4 टू शॉर्टर्स, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे 4 पिक्चर दिया है, सबसे बड़ा कौन सा पिक्चर है, ये है, तो यहाँ पर 4, सबसे छोटा ये पिक्चर है 3, इससे छोटा ये है 2, इससे छोटा ये है 1, तो इस तरह पे यहाँ पर ये करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सी द पिक्चर्स काउंट एंड राइट, मतलब क्या है, ये पिक्चर को काउंट करके यहाँ लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो यहाँ पर 9 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 लिखना, ये इस तरह से ये करना है। थैंक यू।